हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक उषा कंपनी की लाइट वेट प्रेस रिपेयर करने के बारे में बताऊंगा कि कैसे रिपेयर करते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। प्लग लगा लेते हैं बोर्ड में और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको ठीक करते हैं। ऑन कर दिया। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें इंडिकेटर भी नहीं जल रहा और ना ही ये प्रेस गर्म हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब खोलते हैं इसको और शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। बैक कवर खोल लेते हैं। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलने से ये बैक कवर खुल जाएगा। और सबसे पहले हम इसकी मेन लीड चेक करेंगे, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही, मेन लीड सही है या नहीं। ये हमारे पास एक सीरीज टेस्टर है, इसी की मदद से हम इसको चेक करेंगे। एक पिन पे लगा लेते हैं और दूसरे पिन प्रेस के अंदर जो लगी वायर है उस पे लगाएंगे तो ठीक है, ये भी ठीक है। और अंदर से जो प्रेस के कनेक्शन आ रहे हैं वो उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। चलिए अब आगे इसको खोल लेते हैं कि अंदर से हम चेक कर सकें कि इसमें क्या ख़राबी है। ये हैंडल खोल लेते हैं हम, इसके दो स्क्रू पीछे हैं और ये हमने खोल लिए और एक स्क्रू इस कवर के नीचे में है, ये देखिए, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये स्क्रू खोलने से ये हमारा ये जो हैंडल लगा हुआ है ऊपर ये निकल जाएगा। ये देखिए, हमने ये निकाल दिया है और अब जो है ये सारे के सारे कनेक्शन हम खोल लेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि जो वायर जहाँ से खोलो फिर बाद में वहीं पे लगानी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन खोल लेते हैं और उसके बाद हम ये वाला ऊपर का कवर भी खोल लेंगे। देखिए, हमने ये कवर खोल लिया है और सबसे पहले हम इसका एलिमेंट चेक करेंगे। ये देखिए, ये ठीक है एलिमेंट, हमारा टेस्टर जल रहा है इसमें। और अब हम इसका थर्मोस्टेट भी चेक कर लेते हैं, थर्मोस्टेट में कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। और इसमें एक पॉइंट और भी है थर्मोस्टेट के साथ, ये पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार थर्मोस्टेट की और चेक कर लेते हैं, इसमें कंटिन्यूटी है। देखो, ये यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है और ये जो पॉइंट इसके ऊपर है ये दोनों आपस में टच होते हैं तो कंटिन्यूटी पास करते हैं। इसी वजह से यहाँ ये थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है। इसी को हम, इसके अंदर कार्बन आ जाता है तो कंटिन्यूटी नहीं पास हो पाती, तो इसी को हम एक रेगमार की सहायता से इसको क्लीन करेंगे। ये देखिए, हमारे पास एक सैंड पेपर रेगमार है, इसको हम इसकी सहायता से इसको, इसके पॉइंट जो हैं वो क्लीन कर लेते हैं। देखिए, हमने क्लीन कर लिया, अब दोबारा से हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये हम चेक करें, ये देखिए, अब इसमें कंटिन्यूटी आ गई है और ये जो थर्मोस्टेट है ये भी हमारा काम कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो पॉइंट था इसी की वजह से ये प्रेस काम नहीं कर रही थी, अब हमने इसको क्लीन कर दिया है और कंटिन्यूटी आ गई है। चलिए अभी हम इसको फिटिंग कर लेते हैं।
जैसे जैसे हमने इसको खोला था ठीक उसी तरीके से इसको फिट कर लेते हैं। कवर हमने फिट कर लिया है, ये अब इसके मेन लीड के कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों कनेक्शन हमारे हो गए हैं, एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ओके है और अब ये इंडिकेटर हमने सेट कर दिया है और बाकी अब ये ऊपर का कवर भी हम लगा लेते हैं, स्क्रू लगा देते हैं और बैक में दो स्क्रू बैक में लगा देते हैं। दोस्तों अब ये फाइनल बैक कवर हम इसका लगा लेते हैं और अब ये प्रेस हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। अब इसको फाइनल चेक करना अभी बाकी है। तो देखिए ये कवर हमने लगा लिया, स्क्रू हमने इसका बैक कवर का भी लगा दिया है और अब हम इसको चेक करेंगे फाइनली। ये एक कवर रह गया है, इसको भी लगा देते हैं। अब प्लग लगा लेते हैं बोर्ड में और ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इंडिकेटर भी जल गया है और प्रेस गर्म भी होने लगी है, देखिए। और इसको इसका जो है ये ऑटो कट भी हम चेक कर लेते हैं थोड़ी सी गर्म करके कि ये कट ऑफ होती है या नहीं, देखते हैं। देखिए दोस्तों कट ऑफ हो चुकी है। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।